दोस्तों, जिन लोगों के गले में लंबे समय से टॉन्सिल पड़े होते हैं, खासकर बच्चों के गले में, क्या उन सभी में टॉन्सिल का ऑपरेशन ज़रूरी होता है? तो बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं है। सभी बढ़े हुए टॉन्सिल में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे कुछ बातें समझना ज़रूरी है। अगर किसी के गले में लंबे समय से टॉन्सिल बड़े हुए हैं, जिसे हम क्रोनिक टॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, तो ऐसे में अगर टॉन्सिल बढ़े हैं और उसकी वजह से पेशेंट को कोई परेशानी नहीं है, तो ऐसे में सर्जरी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर गले में टॉन्सिल बढ़े हुए हैं और साथ ही साथ गले में कुछ परेशानी भी हो रही है, तो ऐसे में इस बात का ध्यान देना ज़रूरी है, जो गले में परेशानी है, क्या वाकई वो टॉन्सिल की वजह से ही है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को गले में कुछ परेशानी होती है और साथ ही साथ टॉन्सिल भी बड़े होते हैं, लेकिन वो परेशानी बड़े हुए टॉन्सिल की वजह से नहीं होती है। और ऐसे में पेशेंट टॉन्सिल की सर्जरी करा लेता है और उसके बाद भी उसके गले की परेशानी बनी रहती है। तो कभी भी गले में परेशानी हो और टॉन्सिल भी बड़े हों, तो अपने डॉक्टर से ये ज़रूर डिस्कस करें कि गले की परेशानी क्या बड़े हुए टॉन्सिल की वजह से ही है या किसी और वजह से भी हो सकती है। तो दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट में जिनमें क्रोनिक टॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी होती है, उनमें बड़े हुए टॉन्सिल से कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन कई बार पेशेंट टॉन्सिल को देख करके परेशान होता रहता है और टॉन्सिल की सर्जरी करा लेते हैं। तो ऐसे पेशेंट में टॉन्सिल की सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। जिन पेशेंट में टॉन्सिल निकलवाने का प्रॉपर इंडिकेशन है, उस पर हम एक अलग वीडियो बना चुके हैं, आप वो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।